नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम तीन चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और ये 25 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है अनाउंस अनदर स्टिमुलस, और ये कहता है कि इस वक्त जो इकोनॉमी में जरूरी है वो है डिमांड, और लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अब सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की और ये कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो सिलेबस के साथ लिंकेज स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि एमएसएमई सेक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और एमएसएमई सेक्टर फिलहाल कौन से संकटों से जूझ रहा है। तो अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया है 3000 से ज़्यादा एमएसएमईज का नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के द्वारा, और इससे जो कुछ बातें सामने आई हैं तो सबसे ज़्यादा जो एमएसएमई सेक्टर में नुकसान हुआ है कोविड-19 और उसके चलते लॉकडाउन का, वो हुआ है अपैरल सेक्टर में, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को, ऑटोमोटिव सप्लायर्स को, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट को, लॉजिंग टूरिज्म सेगमेंट को, पैसेंजर एयरलाइंस को, और रिटेल जो कि नॉन फूड वाला हिस्सा है। और जिनका नुकसान थोड़ा मध्यम रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल गुड्स, कन्वेंशनल मीडिया इत्यादि। और जहां काफ़ी कम रहा है इसका इम्पैक्ट वो है डिफेंस सेक्टर, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, फूड रिटेल में, टेली कम्युनिकेशन में, वेस्ट मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में। जबकि कोविड-19 और उसके चलते लॉकडाउन से कुछ सेक्टर्स जो कि एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं उन्हें फ़ायदा भी पहुंचा है, जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस दौरान ऑनलाइन हो गई हैं। वैसे ही ऑनलाइन रिटेल को भी फ़ायदा पहुंचा है, मेडिकल डिवाइसेस में जो छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स कार्यरत हैं उन्हें भी फ़ायदा पहुँचा है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो भी पॉजिटिव रहा है उनके लिए, पैकेजिंग सेक्टर को भी फ़ायदा मिला है, डिजिटल मीडिया और स्ट्रीमिंग इसको भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स तो है ही। साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि एमएसएमई सेक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करता है भारत की जीडीपी में। तो एक अनुमान के अनुसार करीब करीब जो एमएसएमई सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है भारतीय जीडीपी को वो है 30%, और 110 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है एमएसएमई सेक्टर के यूनिट्स के द्वारा। अगर भारत के एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ भी करीब करीब जो 50% योगदान है वो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो, चाहे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन हो, एमएसएमई सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और अभी एक लेटेस्ट प्रेजेंटेशन दी गई है एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो एमएसएमई सेक्टर है भारत में उसमें एक में से चार एमएसएमई अभी केवल अपना हाफ या उससे भी कम इंस्टॉल कैपेसिटी को यूज़ कर पा रहे हैं, और ये डाटा है 1 अगस्त 2020 तक का। और ये हुआ है क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुए हैं उससे एमएसएमई सेक्टर को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस प्रेजेंटेशन में ये भी बताया गया है कि जो इकोनॉमिक चैलेंज फेस किया जा रहा है एमएसएमई सेक्टर के द्वारा उसमें भी अब एक बदलाव देखा जा रहा है। तो पहले ये चैलेंज ज़्यादातर लिक्विडिटी को लेकर था कि पैसे की कमी थी सेक्टर के पास, जिसको दूर करने के लिए सरकार ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसे हिंदी में कहते हैं आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, लेकर आई। लेकिन इसको भी सिर्फ
6% MSMEs नहीं यूज किया है 6 अगस्त 2020 तक। तो अभी जो समस्या है वो लिक्विडिटी की कम है और ज्यादा समस्या हो गई है जो डिमांड में लगातार गिरावट आ रही है और जो डिसरप्शन आया है सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि एमएसएमई सेक्टर जो समस्याओं से जूझ रहा है उसमें रॉ मटेरियल मिलने की कमी, फ्रेश ऑर्डर्स में कमी या गिरावट जो कि डिमांड को दर्शाता है, और लेबर शॉर्टेज, लिक्विडिटी क्राइसिस तो है ही, और लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम। तो ये 5 मुख्य प्रॉब्लम्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर वर्तमान में झेल रहा है। और अनलॉक शुरू होने के बाद से सिर्फ 9% एमएसएमईज ही हैं जो कि अभी तक अपना बिजनेस उन्होंने शुरू नहीं किया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 91% एमएसएमई वापस शुरू हो गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसमें से 3/4 अपने 50% या उससे कम कैपेसिटी पर ही काम कर रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत कम है मार्केट में। तो इस पर सरकार को जरूर कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो इस बेसिक बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने बताया है कि 1 अगस्त 2020 तक जो एमएसएमईज हैं उनमें से 3/4 एमएसएमईज अपने आधे से कम कैपेसिटी पर ही कार्य कर रहे हैं और 90% से अधिक एमएसएमईज पुनः खुल गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि अनलॉक की प्रक्रिया कम से कम सैद्धांतिक रूप से लगभग पूरी हो चुकी है। और ये आंकड़े अर्थव्यवस्था के सामने जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियां हैं उसको जरूर रेखांकित करते हैं। और एडिटोरियल बताता है कि महज उद्यमों को पुनः खोलने की अनुमति देने से उस पूर्व स्थिति की बहाली नहीं होगी जो कि कोरोना महामारी के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी। तो यहाँ हमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि COVID-19 पैंडेमिक के आने से पहले भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक स्लोडाउन से गुजर रही थी। तो ऑलरेडी जो इकोनॉमी है उसमें डिमांड में कमी आ रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक स्लोडाउन देखा जा रहा था, और उसके बाद COVID-19 और जो लॉकडाउन हुए उससे तो पूरी ही अर्थव्यवस्था करीब करीब बैठ गई है। और इसीलिए एडिटोरियल का कहना है कि सिर्फ अनलॉक शुरू कर देने से ऐसा नहीं होगा कि स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी, उसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम जरूर उठाने पड़ेंगे, जैसे कि एक फिस्कल स्टिमुलस दोबारा से अर्थव्यवस्था को देने की जरूरत है। और यहाँ एडिटोरियल कुछ आंकड़े भी बताता है कि GDP विकास दर को अगर देखा जाए तो 2016-17 में ये 8.3% थी, इसके बाद 17-18 में ये 7% हो गई, 18-19 में ये 6.1% रह गई, और 19-20 में तो ये 4.2% तक आ गई। और अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं 2020-21 के, तो अर्थव्यवस्था में कोई ग्रोथ नहीं देखी जाएगी लेकिन इसका संकुचन होगा करीब करीब 5% के आसपास। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। आगे एडिटोरियल ने बात की है एमएसएमई की भूमिका के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि एमएसएमई सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये GDP में करीब करीब 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयमेंट में करीब करीब 1/4 का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, और साथ ही साथ अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ भी करीब करीब 50% का योगदान एमएसएमई सेक्टर का है। तो ये स्टैटिस्टिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप इन्हें अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तब। लेकिन एडिटोरियल ये बताता है कि एमएसएमईज का एक बड़ा हिस्सा अपनी मौजूदा क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पा रहा है, और इसका सीधा अर्थ ये है कि वह एक डिमांड क्राइसिस यानी कि मांग संकट का सामना कर रहा है। और एडिटोरियल का कहना है कि यदि यही परिदृश्य बना रहा तो इससे एक ऐसे दुष्चक्र यानी कि विशेष साइकिल का निर्माण होगा जहां की जो उद्यम हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वो श्रमिकों की छटनी को बाध्य हो जाएंगे, कई सारे लेऑफ्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे कार्य मुक्त किए गए श्रमिक वेतन के रूप में अपनी आय को खो देंगे, जिससे आगे मांग और संकुचित हो जाएगी अर्थव्यवस्था में। और इसका प्रभाव पड़ेगा कि नए निवेश और कच्चे माल के लिए जो ऑर्डर हैं वो या तो पोस्टपोन किए जाएंगे या उन्हें कैंसिल भी किया जाएगा, और ये होने से फिर से एक दौर चलेगा नौकरियां छिनने का और मांग में कमी आने का। तो इस तरीके से ये एक दुष्चक्र बन जाएगा, एक विशेष साइकिल बन जाएगा, और इन घटनाक्रमों का फाइनेंशियल सेक्टर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और ये पहले की अपेक्षाओं या अनुमानों की तुलना में
जो रेवेन्यू में गिरावट के साथ साथ जो ऋण चूक यानी कि लोन डिफॉल्ट्स में वृद्धि होगी और जो बैड डेट की समस्या है वो पहले से भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। और अगर घटनाक्रम इस प्रकार के रहे तो ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि मीडियम टर्म में भी भारत की इकोनॉमिक रिकवरी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस विशेष साइकिल को बनने से रोका जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इकोनॉमी में डिमांड लगातार गिर रही है इसको बरकरार रखा जाए या इसको बेहतर किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के पास पैसे पहुँचें। और ये किया जा सकता है अगर सरकार एक अच्छा फाइनेंशियल स्टिमुलस लेके आती है अर्थव्यवस्था के लिए। और आगे एडिटोरियल में यही बताया गया है कि इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है सरकार के द्वारा। और एडिटोरियल मानता है कि COVID-19 पर अपनी आरंभिक प्रतिक्रिया में सरकार ने लिक्विडिटी चैलेंजेस पर अपना ध्यान फोकस किया और उसे दूर करने की पूरी कोशिश की, और इसी के लिए वो कई सारी स्कीम्स भी लेकर आए जिससे कि MSME सेक्टर को लोन लेने में परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनके पास लिक्विडिटी का संकट ना हो। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था के सामने सबसे प्रमुख चुनौती लिक्विडिटी की नहीं है बल्कि डिमांड की है। और एक ऐसे समय में जबकि कंज्यूमर और बिजनेस सेंटिमेंट अपने निम्न स्तर पर है, डिमांड को प्रेरित करने का एकमात्र तरीका है राजकोषीय प्रोत्साहन यानी कि फिस्कल स्टिमुलस सरकार के द्वारा। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि यद्यपि इस तर्क में कुछ योग्यता है कि राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा उपयुक्त समय पर ही की जानी चाहिए, लेकिन सरकार को चाहिए कि कम से कम इसकी रूपरेखा या रोड मैप को जल्द से जल्द तैयार कर ले और इसे लोगों के साथ शेयर करे ताकि जो कंज्यूमर डिमांड है और बिजनेस सेंटिमेंट है इसको बेहतर किया जा सके। और एडिटोरियल कहता है कि अगर इस विषय में सरकार की ओर से और देरी की जाएगी तो ये और ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगी और शायद स्थिति हाथ से निकल जाए, तो सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तो ये सब थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं MSME सेक्टर को और ये कैसा रोल प्ले करता है भारतीय इकोनॉमी में। तो MSME सेक्टर बहुत ही वाइब्रेंट और डायनेमिक सेक्टर है भारतीय इकोनॉमी का, और ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, और रूरल एरियाज़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इसकी एक अहम भूमिका है। तो इस प्रकार ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो भारत का, उसमें भी अपना योगदान देता है। और जैसा कि हमने देखा कि भारत की GDP में इसका योगदान करीब 30% का है, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ 45-50% योगदान भी MSME सेक्टर करता है, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ 1/4 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो भारत में होता है वो MSME सेक्टर के द्वारा होता है, और ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। और MSME सेक्टर में जितना इन्वेस्ट किया जाता है उसके हिसाब से इसका हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर पैसे आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर वो MSME सेक्टर में इन्वेस्ट होंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होता है। और भारत की अगर बात की जाए तो करीब करीब 56 मिलियन एंटरप्राइजेज हैं जो कि कई सारी इंडस्ट्रीज में इस सेक्टर में काम कर रही हैं और 124 मिलियन लोगों को रोजगार दे रही हैं। और एक खास बात है कि ऐसे एंटरप्राइजेज में करीब करीब 14% ऐसी हैं जो कि महिलाओं के द्वारा लीड की जा रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है MSME सेक्टर विमेन एम्पावरमेंट के दिशा में भी। और जो 60% ऐसे MSME यूनिट्स हैं ये रूरल एरियाज में हैं, तो रूरल क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा योगदान है MSME सेक्टर का, और इसके द्वारा जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है इसको भी रोका जा रहा है और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जा रहा है। MSME जो सेक्टर है ये कॉम्प्लीमेंट करता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को और उनको बैकवर्ड लिंकेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि उन्हें रॉ मटेरियल देना, एंसिलरी कंपोनेंट्स उनके लिए बनाना। तो इस प्रकार से MSME सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, और ये लोगों को पॉवर्टी साइकिल को तोड़ने में मदद करता है। अब देखते हैं कि क्या बदलाव लाए गए हैं सरकार के द्वारा MSME की डेफिनेशन में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो गवर्नमेंट ने MSME की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा व्यापक बनाया है, और जो लिमिट्स थी इन्वेस्टमेंट की उसको रिवाइज किया है, और एक टर्नओवर क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया है।
इससे पहले एमएसएमईज को डिफाइन किया जाता था सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि डेफिनेशन क्राइटेरिया काफ़ी क्रेडिबल या बहुत ही सटीक नहीं था और अथॉरिटीज़ के पास इसकी पूरी जानकारी भी नहीं रहती थी, तो ये काफ़ी मुश्किल था। एक और चीज़ जो की गई है कि अब से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एमएसएमईज में कोई फ़र्क नहीं है डेफिनेशन के लिहाज से, क्लासिफिकेशन के लिहाज से। पहले के क्राइटेरिया में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज यूनिट्स को अलग अलग रखा जाता था, तो अब जो नई डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जो दो क्राइटेरिया हैं इसके हिसाब से इन्हें कैसे रखा गया है। तो माइक्रो एंटरप्राइज की अगर बात की जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ तक का और टर्नओवर इसका होना चाहिए 5 करोड़ तक का, तो ये क्लासिफाई हो जाएगा माइक्रो में। और इससे हम स्मॉल में जाएंगे तो यहाँ 1-1 0 लग जाएगा, यानी कि 10 करोड़ और 50 करोड़। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, तो आपकी यूनिट स्मॉल में क्लासिफाई हो जाएगी। और अब जब मीडियम में जाएंगे तो 50 यहाँ आ जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का अलाउड है और ये 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 250 करोड़ तक का टर्नओवर अलाउड है। तो ये है नई डेफिनेशन जो हमें क्लियर होनी चाहिए और इसको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। और ये लिमिट्स रिवाइज करने के पीछे सरकार की एक और मंशा ये भी रही है कि एमएसएमई सेक्टर में जो ज़्यादातर यूनिट्स हैं इनको कई सारे फायदे मिलते हैं सरकार की ओर से, टैक्स छूट इत्यादि, तो इस वजह से भी जो छोटे उद्योग हैं वो बड़े उद्योग नहीं बनना चाहते हैं, यानी कि अपने आप ही वो अपनी ग्रोथ को छोड़ देना चाहते हैं ताकि वो बेनिफिट्स का फ़ायदा लगातार उठाते रहें। तो अब सरकार की ये नीति है कि माइक्रो बढ़ के स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ के मीडियम बने और मीडियम बढ़ के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज में तब्दील हो जाए, तो इसी वजह से उन्होंने इस लिमिट्स को भी रिवाइज किया है। और अब नीतियों में भी ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई गलत तरीके का इंसेंटिव ना रहे इंडस्ट्रीज के लिए कि वो छोटे से छोटी ही बने रहे। तो इन सब के बाद आइए अब देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएसएमई सेक्टर की नई क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्राइटेरिया माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का क्लियरली पता होना चाहिए, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ कौन से स्टेप सरकार के द्वारा उठाए गए हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो इसमें एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसे हिंदी में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कहते हैं, और इस प्रकार के कुछ और कदम भी उठाए गए हैं तो उनके बारे में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर मेंस की बात की जाए तो एमएसएमई सेक्टर किस प्रकार से एक अहम भूमिका निभा रहे हैं भारत की आर्थिक विकास में, तो इस पर भी आपको तैयार होना चाहिए। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो नया क्लासिफिकेशन सिस्टम है एमएसएमईज का, वो मदद करेगा एमएसएमई सेक्टर को और बेहतर प्रदर्शन करने में, क्या चुनौतियां और क्या अवसर मौजूद हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए भारत में, और क्या सुझाव आपके हो सकते हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में, फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।